शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। हेलो, उस बार तुझे जिंदा छोड़ दिया था और अगर आज तूने हमारे आदमी की पहचान कर दी, इस बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे छोरी, समझे? इसलिए घर पे आराम से बैठ और ठंडा पी। हेलो, ये उम्मीद नहीं थी, अब बस फैसला होगा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? इतनी सारी मिठाई, हमें तो ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी मिठाई की दुकान ही लगा दी है। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? अरे बुआ जी, आप आम खाइए ना, गुठलियों के दाम की पूछ रही। वैसे भी भतीजा इतने प्यार से खिला रहा है तो आपको खा लेना चाहिए, ऐसे सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। लो जी, हम और सवाल। वैसे कल तो पूरे घर में मुंह लटका है घूम रहा था, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि चेहरे पे चार चांद लग गए? अरे हमें तो बता, बताना। ओफो रितु, हद करती है आप भी। इतने दिनों बाद हमारा बेटा खुश है और आप नजर लगाएंगे क्या इन्हें? लीजिए भाभी, हम क्यों इसे नजर लगाएंगे? नजर लगे इसके दुश्मनों को। तो बुआ जी, एक्चुअली काम को लेके कुछ टेंशन थी, इसलिए मूड थोड़ा इधर उधर था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, और घर में भी तो इतना कुछ चल रहा था ना। वैसे भी मम्मी, आदमी को खुश रहने के लिए और मिठाई खाने के लिए किसी मौके की जरूरत थोड़ी होती है। किस खुशी में इतनी मिठाइयाँ आई हैं? अरे पहले खाओ तो सही। अभी नहीं। हाँ हाँ, ये भी ठीक है, पहले जाकर ना तुम ताजा खबर निकाल कर आओ कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, तो मैं मिठाई हजम नहीं होगी। अब हम दीदू से मिलकर आते हैं। अरे सुनो, जरा संभल कर, वरना तुम्हारी बहन श्रद्धा ना हक जताने के चक्कर में कहीं दूसरा थप्पड़ तुम्हें ना धर दे। हमारा मतलब था कि हम जाते हैं, काम धरा पड़ा है। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे पर हमें जानना है कि दीदू ने मुन्ने को पहचाना या नहीं। अरे नहीं पहचाना। आपको कैसे पता? दीदू ने आपको बताया? वो एक्चुअली अब क्या है कि वो एक दोस्त है मेरा, वो पुलिस में ही है, तो मैंने उससे ही पूछवाया था तो उसने बताया। वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी ना, तुम श्रद्धा को लेकर इतनी टेंशन में थी इसलिए। लो जी, टेंशन तो सिर्फ इसे ही था, हमें तो बिल्कुल टेंशन नहीं था, कम से कम हमें तो बता देते। इस रात की कहानी आज यहीं खत्म। ये कहानी यहीं ऐसे खत्म नहीं हुई सर। अभय जी, शायद आपको ये लग रहा है कि कानपुर पुलिस के पास बहुत समय है, पर आपके केस के अलावा और भी क्राइम हो रहे हैं कानपुर में। सर मैं समझता हूँ आप जो कहना चाहते हैं। अगर आप समझते तो यहाँ पर नहीं आते। एक तो इतने दिनों से आप जिस गुंडे के पीछे पड़े हुए थे, जब वो हाथ आया तो आपकी पत्नी ने उसे पहचाने से इनकार कर दिया, केस क्लोज हो गया और अब आप आए हैं। सर मैं जानता हूँ आपने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ सर आपका, पर सर इसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है। मतलब ये सर कि उन गुंडों ने उसे कॉल करके उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उनके खिलाफ कुछ भी बोला तो वो उसके परिवार को हर्ट करेंगे। ले आइए भैया, जल्दी यहाँ नीचे रख दीजिए। ये सब क्या है? ये बेटा, ये सब चल क्या रहा है? ये सामान क्या बात है? मम्मी, आपको और पापा को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत की सारी चीजें मैं ले आई हूँ, अगर आपको किसी भी और चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे फोन कीजिएगा। बेटा वो सब तो ठीक है, मुझे सच सच बता कि बात क्या है, कल भी तुमने मुझे मम्मी सब ठीक है।
और आप कभी तो मेरी बात बिना सवाल जवाब के मान लिया कीजिए। लगता है आज हमारी बेटी का मूड खराब है। मूड ठीक है मम्मी, सॉरी मैंने आपसे ऐसे बात की। मम्मी मुझे आप लोगों की बहुत चिंता होती है। देखिए अभी भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप आराम भी नहीं कर रही हैं। अरे बेटा दोनों बेटियों को ब्याह दिया, अब बस आराम ही आराम है। और अब उम्र ढल रही है तो ये सब तो चलता रहेगा। कुछ उम्र वुम्र नहीं हो रही है आपकी, प्रॉब्लम ये है ना कि आप अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखती, इसीलिए आपकी तबीयत हमेशा खराब होती रहती है। श्रद्धा दीदू, बबलू कैसा है? बबलू बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? स्कूल से कोई कंप्लेंट तो नहीं आ रही ना तेरी? दीदी दिवाली की छुट्टियों में पढ़ाई का नाम भी नहीं लेता। अभी मैं खेलने जा रहा हूँ, आपसे आके मिलता हूँ। बाय दीदू। सुन तुम्हारी फैमिली अभी मॉल से बाहर निकली है, अगर तुमने पुलिस को कुछ भी सच बताया तो यहाँ से तो निकलेंगे पर घर नहीं पहुँच पाएंगे। बबलू अब छुट्टियाँ चल रही हैं तो क्या हुआ? पहले पढ़ाई पूरी कर फिर घर पे ही रह के खेलना। पर दीदी। दीदी दीदी कुछ नहीं, इस बार अच्छे मार्क्स लाने हैं ना। और तूने कहा था ना कि तुझे इस साल साइकिल चाहिए। अगर इस बार तू अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो मैं तुझे साइकिल गिफ्ट करूंगी। प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। अभी अपने कमरे में जा और पढ़ाई पूरी कर। ठीक है दीदू। बाय दीदू। हे भगवान मेरे परिवार पर कोई आंच मत आने देना। सर आप खुद ही बताइए कोई अपने परिवार को क्यों मुश्किल में डालेगा? अपने परिवार का सोचकर वो घबरा गई, कोई भी होता डर जाता, पर आप जो हमसे चाह रहे हैं वो कम तरीका सही नहीं, हम ये नहीं कर सकते। सर मैं जानता हूँ पर मेरी बीवी और परिवार मेरी जिम्मेदारी है। सर आप कानूनी तरीके से कुछ नहीं कर सकते पर सर प्लीज एक एहसान कर दीजिए, बस उस गुंडे का एड्रेस दे दीजिए मुझे प्लीज। पर अभय जी। सर मैं उस गुंडे की आपको सारी खबर देता रहूंगा। सर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं और मेरी बीवी श्रद्धा दोनों आपको पूरा साथ देंगे उसे पकड़ने में। भाभी हमें लग रहा है आप पर भी संगत का असर हो रहा है। पहले तो आप खाना फेंका नहीं करती थी, क्यों करती है इतनी मेहनत जब आपको पता है कि लोग बाहर से खाना खाकर आते। अरे महारानी साहिबा आप अभी अभी इस पास से आई है और अभी चल दिए अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं। आपको कोई तकलीफ? नहीं नहीं हमें क्या तकलीफ होगी, और अगर होगी भी तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? मम्मी जी रात को खाना हम घर पर ही आकर खाएंगे। अरे सुनो वैसे हमें पता है कि तुम अपनी सहेली से मिलने के लिए बड़ी उतावली होए जा रही हो, पर जरा ठहरो, थोड़े हाथ पैर चला लो, थोड़ा काम कर लो, जाओ रसोई घर से ना प्याज और पालक लेकर आओ। रहने दीजिए कीर्ति हम कर लेंगे। भाभी आप बैठिए, क्यों इतना बहू को सर पे चढ़ा रही है, पहले से इतनी चढ़ी हुई है। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? हम फिर से कह देते हैं कि रसोई घर से पालक और प्याज लेकर आओ, और हाँ प्लेट भी लेकर आना वरना हम सब्जी काट कर सर पे तो रख नहीं पाएंगे। सहेली से बाद में मिल लेना, हाँ पहले रसोई घर से लेकर आओ। जाओ 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 हाथ पैर चलाओ जरा, फिर जाओ सहेली के यहाँ पर। ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए आप, बिना रे तू भाभी आप अगर हमारी बात मानेगी तो फायदे में रहेगी। क्या हुआ कुछ पता चला? बोलिए ना कुछ पता चला उनका? श्रद्धा एड्रेस अरे उन गुंडों का एड्रेस है, पुलिस वालों से बहुत मिन्नतें करी मैंने फिर जाकर उन्होंने एड्रेस दिया। अब देखना कॉलर से पकड़ के घसीट के लाऊंगा उनको तुम्हारे पास, हम दोनों मिलके उससे उगलवाएंगे कि किसने करवाया ये सब कुछ। थैंक यू आप
मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। श्रद्धा प्लीज, मैंने कहा था तुम्हें मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उसके एड्रेस पे भी गया था पर ये बुआ जी को भी ना हर मामले में टांग अड़ानी होती, जब मुंह खोलती कड़वाई बोलती है, पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती है। खुद पे बैठ के फ्री का खाएंगी और ऐसे दिखाएंगी जैसे पूरे घर की मालकिन हो, पर हमें ज्ञान देने चलिए। और रखो ये सब, कीर्ति आते वक्त ना प्लेट भी ले आना, प्याज काट के क्या हम अपने सर पे रखेंगे। लेट हो रहे हैं, अब इतना सारा काम फैल गया, क्या करें? हमारी ड्रेस भी गंदी हो गई, दाग लग जाएगा। हम ना पहले ड्रेस चेंज करके आते हैं। अरे तो बुआ जी बैठी होंगी, फिर पकड़ लेंगी। किधर से जा, पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। अरे कीर्ति कितना टाइम, अरे कहाँ चली गई कीर्ति? आप ऐसे गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? किसने कहा था आपको ऐसे हीरो बनने के लिए? कितने खतरनाक लोग हैं वो, आपको कुछ हो जाता तो? श्रद्धा मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? और ऐसे भी वो एड्रेस पे मिले नहीं, तो फिर अब एक पान वाले का पता चला है, उसके पास सबकी खबर रहती है। उसकी दुकान पे गया था पर उसकी दुकान भी बंद थी, कल फिर से जाऊंगा तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। श्रद्धा अंकल आंटी को कुछ नहीं होगा, और अगर उन गुंडों के पकड़े जाने से पहले बबलू के स्कूल खुल गए तो मैं उसे रोज लेने और छोड़ने जाऊंगा। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। छोटा सा काम बोला था प्याज पालक लाने के लिए, उसमें भी इतना टाइम लगाएगी, इससे अच्छा तो इंसान खुद ही कर ले। ये तेल कैसे गिर गया? ये तो ताईजी की आवाज है ना? अब आपको आराम की जरूरत है। ये दवाई मंगा लीजिए। आप इन्हें बेड से नीचे मत उतरने दीजिएगा, क्योंकि शरीर का पूरा वजन इनके पैरों पे आएगा और चोट को ठीक होने में मुश्किल होगी। और हाँ, हम एक्सरे भी करवा लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं। अब हम चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। नैना जी सुनो ना, डॉक्टर ने क्या कहा, अब आप एक कदम भी जमीन पर नहीं रखेंगे बस। हाँ ताई जी, बस आप आराम कीजिए, और आपको कोई भी काम हो आप मुझे बता दीजिएगा। बहुत होगी भगत, अब आप सिर्फ आराम करें। देखिए खामखा कहां से ये तकलीफ आ गई। भैया अगर आपको कुछ कहना ही है तो आप भाभी से क्यों कह रहे, आपकी लाडली बहू कीर्ति से कहिए ना, आखिर तेल तो इसी ने गिराया था। पालक और प्याज लाने के लिए कहा था, वो तो तुम ला नहीं पाई, तेल गिरा दिया और भाभी की ये हालत कर दी। काम काज करना तो आता है नहीं तुम्हें? बुआ जी कौन सा हिंदी सीरियल देखती हैं आप बताइए ना,
क्योंकि आपके हिसाब से तो बहू ने तेल गिराया उस पे अपनी सास को गिराने की हमारी बहुत बड़ी साजिश होगी है ना। तो बताइए ना कौन सा सीरियल देखती है, क्योंकि कुछ ऐसा ही इल्जाम लगा रही हैं आप हम पे। रितु, कीर्ति ने कुछ नहीं किया, वहां तेल पड़ा हुआ था और हमने ही नहीं देखा और पाव फिसल गया, कोई ऐसा क्यों करेगा? पता नहीं इस घर में सबको क्या हो रहा है, सबके पैर में चोट लग रही है। अब और किसके पैर में चोट लग गई? मुझे लगी है, ये देखो मुझे लगी है। थोड़ी देर पहले तो अच्छी खासी चल फिर रही थी, कूद रही थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? सच में चोट लगी? भाभी जी, आराम से। देखिए कितनी तकलीफ हो रही है आपको, अब आप किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगी। इस वक्त सबसे जरूरी है आपके पैर को आराम देना। हम ऐसे कैसे बैठे रह सकते हैं? अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी बस। अरे काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कैसी बातें कर रही है आप, बहू है ना, वो कर लेंगे। आप उसे जिम्मेदारी देंगी नहीं तो वो करेंगी कैसे? अच्छा है इसी बहाने वो खुद से अपने हिसाब से सब काम संभालेगी। बेड़ा गर्क, अब तो होते का काम। अजी हाँ, जैसे कि वो जोड़ू का गुलाम अपनी स्वीटू को काम करने देगा। मम्मी पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, कीर्ति सब संभाल लेगी। मम्मी का ख्याल रखना और घर का काम वो दोनों कर लेगी। इतना सब कुछ कीर्ति कैसे संभालेगी? हाँ मम्मी एक मिनट, मैं आपका फोन स्पीकर पे रख रही हूँ। कैसी है मम्मी? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। क्या हुआ मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आपकी आवाज ऐसे क्यों लग रही है? बस हल्की सी खांसी और बुखार है, काढ़ा बनाकर पी लिया मैंने, ठीक हो जाऊंगी। मम्मी प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। वैसे आप बोले तो मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं श्रद्धा, चिंता मत करो ना, एक दो दिन में ठीक हो जाऊंगी। तुम बताओ घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी। कल ताई जी किचन में बहुत बुरी तरह से फिसल गई थी, उन्हें बहुत जोर की चोट आई है, काफी दर्द में है वो। बेटा रात को ठंड भी बढ़ेगी, उनको दर्द भी होगा बहुत, और ऊपर से दिवाली का मौका है और इस त्योहार में ये सब अचानक, और घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर ही तो है, अब कैसे चलेगा? ऊपर से मम्मी ताऊजी ने घर की सारी जिम्मेदारी कीर्ति को सौंप दी है। कीर्ति को? श्रद्धा वैसे देखा जाए तो सारी जिम्मेदारी संभालना तो कीर्ति का फर्ज बनता है। पता नहीं वो संभाल भी पाएगी या नहीं। श्रद्धा बेटा तुम देखना उसकी मदद कर सको तो। मैं उसकी मदद के लिए तो हमेशा तैयार हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो सारा काम संभाल भी लेगी, पर प्लीज मम्मी आप अपना भी ध्यान रखिए। हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, दवा टाइम पर ले रही हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरी। ठीक है मम्मी। ताई जी को काढ़ा देने जा रही हूँ और फिक्र मत कीजिए, मैं कीर्ति से बात कर लूंगी। और हाँ मम्मी एक जरूरी बात, आप प्लीज घर से बाहर मत निकलिएगा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटा, अब रखती हूँ। भगवान का शुक्र है कि बच गया। तू ऐसे तूफान मेल बन के कहाँ जा रही है कीर्ति? आसपास देख के चला कर। अच्छा सुन, तूने नैना ताई जी को चाय और नाश्ता दिया? चाय नाश्ता हम करवा लेंगे, प्लीज दीदू आप अपने परिवार का चाय नाश्ता देखो ना, और हमें आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।
जब देखो इस घर में सब हमसे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्यों। कैसी बातें कर रही है तू कीर्ति? सिर्फ इतना ही तो पूछा ना कि तूने ताई जी को नाश्ता दिया या नहीं। उन्हें अभी तेरी जरूरत है। उनका ख्याल रखने के लिए और भी लोग हैं इस घर में, सिर्फ हमारी जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ लोग हैं इस घर में जिनसे बस बकलोली करवा लो। ये तू बिना सोचे समझे कैसे कुछ भी बोल देती है कीर्ति। तू इस घर की बहू है, अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे भाग नहीं सकती है तू। कीर्ति तेरी बड़ी बहन हूं मैं, तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तेरी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए तो पूछ रही थी। दीदू आपका जो ये भाषण है ना, हमारे कानों में चुभ रहा है। ऐसा दिल कर रहा है ना कि कानों में रुई डाल ले। वैसे भी हम कॉलेज जा रहे हैं, अब कॉलेज जाने के लिए भी क्या आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? हमें लेट हो रही है। कीर्ति मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्या बोलना है और आपको दीदू, या हमारे कॉलेज जाने पे भी आप पड़ लगा देंगी? देख कीर्ति, तू कॉलेज जा रही है, अपनी पढ़ाई की चिंता कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन तू ये भी ध्यान रख कि नैना ताई जी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उन्हें तेरी जरूरत है। वो ऐसे घर का सारा काम अकेले नहीं मैनेज कर सकती है। तू अगर बाहर जा रही है तो पूरे दिन का उनका इंतजाम करके जा। कीर्ति, रितु, कोई दो मिनट आ सकता है क्या? देख, उनको तेरी जरूरत है, वो बुला रही है, प्लीज जाके उनकी हेल्प कर दे। दीदू, उन्होंने सिर्फ हमारा नाम नहीं लिया है, किसी और का भी नाम लिया है, वो देख लेंगे। सिर्फ मैं अकेले नहीं हूँ यहाँ सबको संभालने के लिए। हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, बाय। आपको ये सब क्या करने की जरूरत थी? और वो दवाई खाने का टाइम हो गया था, लेकिन ग्लास ही हाथ में नहीं आ रहा था। अब आएगा असली मजा। रितु का वीडियो कॉल। हे भगवान रितु, हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि आपको हमें नीचे से वीडियो कॉल करना पड़ रहा है। भाभी, आपके पूरे दिन की शुरुआत तो हो चुकी है और उसका श्री गणेश आपकी प्यारी समझदार कमाओ बहू ने कर दिया है। ताई जी, मैंने आपके लिए काढ़ा बनाया है, इसे पी लीजिए, आपको दर्द में थोड़ा आराम मिलेगा। देखा आपने, वैसे कुछ भी कहिए भाभी, भगवान हर एक के नसीब में ऐसी बहू लिखे। श्रद्धा आपके नसीब में तो है मगर आपके बस में नहीं है। कितनी बार आपने उससे कहा कि ना आया कर यहाँ पर, लेकिन वो आपकी बात मानती ही नहीं है। बुरा मत मानिएगा भाभी, लेकिन इस परिवार की तरफ जो श्रद्धा है वो आपकी बहू श्रद्धा से छूट ही नहीं पाती। संभाले अपनी बहू को सर, बाय। मैंने उस पान वाले से सब पता करवा लिया है। वो गुंडा अभी तो छुपा बैठा है पर हर दिवाली एक जगह ताश खेलने आता है, तुम देखना। इस बार मैं उसे भागने नहीं दूंगी। क्या हुआ? जिस तरह से मुझ पर हमला हुआ वो भी शादी वाली ही रात पर, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जरूर किसी की सोची समझी एक प्लानिंग है, कोई ऐसा जो हमें जानता है, कोई जान पहचान वाला। ये दिवाली हमारे लिए बहुत खास होगी श्रद्धा, क्योंकि इस दिवाली पे उस प्लान, उस परछाई का भी पर्दाफाश कर दूंगा जो इन गुंडों के पीछे छुपा बैठा है।
किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।